हाँ पुराना सामान खरीदते हैं जी, पुराना सामान, पुराना पेपर खरीदते हैं जी, पुराना पेपर। कहकर चिल्लाते हुए एक आदमी तेले को धकेलते हुए जा रहा था। उसका नाम बग्गा था। बग्गा ऐसा पुराना सामान और पुराना पेपर को खरीदकर उनको ले जाकर स्क्रैप दुकान में बेचकर पैसे कमाता था। बग्गा उसकी बीवी और बच्चों के साथ एक छोटा सा झोपड़ी में जी रहा था। घर के आगे लकड़ी काटकर उनको जलाकर खाना बनाकर खाते थे। बारिश का मौसम आया तो लकड़ी भीग जाते थे, उसके वजह से चूल्हा न जला पाकर बहुत दुखी होते थे। बग्गा को हर रोज एक आदमी सड़क में जमीन पर कुछ ढूंढते हुए दिखाई देता था। वो आदमी रोज ऐसे दिखाई देने के वजह से एक दिन बग्गा, कौन हो आप? बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आप तो इस गांव के जैसे नहीं लग रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो जैसा लग रहे हो, कहा। तब वो आदमी, हे तुम्हारा काम तुम देख लो, मेरे बारे में तुम्हें जानने की कोई जरूरी नहीं है, जाओ यहाँ से, कहकर फिर से ढूंढने का काम पर लग गया। एक दिन एक गरीब बच्चा को कचरा फेंकने के जगह पर एक इंडक्शन स्टोव मिला। वो बहुत पुराना हो गया था। उसको लेकर बग्गा के थैले के पास आया। तब वो बच्चा, भैया बहुत भूख लग रहा है, इससे लेकर जितना आएगा उतना पैसा दो भैया, पूछा। तब बग्गा ने उसको लेकर देखा और, ये तो इलेक्ट्रिक स्टोव जैसा है बेटा, और ये खराब हो गई है, इसको कोई भी नहीं खरीदेंगे, मगर तुमको भूख लग रहा है बोल रहे हो ना, ठीक है ये पैसे लेकर पहले कुछ खा लो, कहकर कुछ पैसे देकर उसे बेच दिया। फिर वो जाने के बाद बग्गा, हमारा घर में शायद ये काम आएगा, असल में ठीक होगा कि नहीं पहले देखते हैं, सोचकर उसको एक इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप वाले को दिखाकर उसका रिपेयर करवाया। फिर घर आकर उनकी बीवी से उसके बारे में बताया। तब उसकी बीवी, हाँ आपका सोच बहुत बढ़िया है, हमको तो करंट कनेक्शन ही नहीं है ना जी, अब ये कैसे काम करेगा, बोली। तब बग्गा, सच में एक काम करता हूँ, हमारा घर के पास करंट का खंभा है ना, उसमें से लाइन खींच लूंगा, कहा। फिर जैसे कहा था वैसे ही करंट खंभे पर चढ़कर करंट को खींचकर स्टोव को लगाया। अब उसकी बीवी स्टोव पर खाना बना रही थी। बारिश आकर लकड़ियां भीग जाने से भी कोई परेशानी के बिना उसमें खाना बन रहा था। एक दिन सड़क पर कुछ ढूंढने वाला आदमी भागते हुए उसके सामने आकर उधर एक बंक के पीछे छुप गया। फिर बग्गा को हाथ जोड़कर किसी से नहीं कहने के लिए इशारा करने लगा। इतने में चार लोग चाकू और बंदूक पकड़कर बग्गा के पास आए। तब एक आदमी, ए बाबू इस तरफ कोई भागकर आते हुए देखा है क्या, पूछा। तब बग्गा, हाँ हाँ इधर ही आया था जी, वो उस गली में से भाग गया था, कहकर दूसरा तरफ दिखाया। फिर वे सब लोग उस तरफ भागने लगे। वो भागने के बाद वो आदमी बंक के पीछे से बाहर आकर, बाबू मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे लिए वो लोग पूरा गांव में ढूंढेंगे, अगर मिल गया तो मार देंगे, दया करके मेरा मदद करो, पूछा। तब बग्गा, आप डरिए मत, हमारा घर गांव के बाहर है, वहां पर कोई भी नहीं आएंगे, आइए आप हमारा घर में रहिए, कहा। फिर उसको लेकर घर आया। घर पर बग्गा की बीवी उस इंडक्शन स्टोव पर खाना बना रही थी। वो आदमी उस स्टोव को ऐसे ही देख रहा था। फिर उसने तुरंत ही उस स्टोव पर रखा हुआ बर्तन को निकालकर स्टोव को हाथ में लिया। तब बग्गा, ये क्या है जी, ये आपका स्टोव है क्या, इसको एक बच्चा ने लाकर मुझे दिया था, मैं तो उसे ठीक करके इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर ये आपका है तो लेकर जाइए, कहा। तब वो आदमी ने स्टोव के नीचे उसका हाथ रखकर एक छोटा सा पोटली को निकाला। वो पोटली खोलकर हाथ में लिया तो वो बहुत सारे हीरे थे। फिर वो आदमी, दोस्त मेरा नाम नायक है, मैं एक माफिया डॉन के पास काम कर रहा हूँ, इन हीरों को एक जगह में देने के लिए मेरा बॉस ने कहा था, मैंने किसी को भी शक नहीं आना है कहकर इस स्टोव में रखकर लेके जा रहा था, तभी मेरा कार तुम्हारे गांव के पास एक्सीडेंट हो गया, फिर ये कहीं और पर गिर गया, मैं जब अस्पताल से आया था तब से लेकर इसको ढूंढ रहा हूँ, वे घूम गए है कहकर कहने से भी मेरे बॉस
मुझे उनको आदमियों से मारने के लिए कहकर भेजा। ये मिले तो मेरा जान को अभी कोई खतरा नहीं है। तुम्हें बहुत धन्यवाद है। ये लो, मेरा उपहार जैसा एक हीरा को ले लो, कहकर एक हीरा को बग्गा को दिया। बाद में बग्गा एक बड़ा सा घर और कार खरीद कर परिवार के साथ खुशी से जीने लगा। जबलपुर नाम के गांव में नायक नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी ने जानू नाम की एक बेटी को जन्म देते देते तभी मर गई थी। ये देखकर नायक बहुत दुखी हुआ। फिर कुछ महीने बाद उसने हेमा नाम की लड़की से शादी कर ली। उन दोनों का एक बेटा हुआ अंकित। जानू और अंकित स्कूल में पढ़ते थे। जानू बहुत होशियार थी। हेमा अंकित को बड़े लाड़ प्यार से पालती थी, लेकिन उसने जानू का एकदम ख्याल नहीं रखा। ये देखकर नायक, हेमा तुम गलत कर रही हो, तुम दोनों बच्चों में भेदभाव कर रही हो, ये बहुत गलत है। तब हेमा, अरे क्या बात कर रहे हो, ये लड़का है, कल यही हमारी देखभाल करेगा बुढ़ापे में। वो लड़की है, पराया धन है, चाहे हम इसकी कितनी भी देखभाल क्यों ना करें, कल शादी के बाद वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। वहाँ वो अपने पति का ख्याल रखेगी, हमारी देखभाल क्यों करेगी भला। अरे तुम कुछ नहीं जानते, तुम चुप रहो जी, कहकर उसका मुंह बंद करा देती। यूं कुछ दिनों बाद दोनों बड़े हुए। दोनों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और नायक नौकरी से रिटायर हो गया। जानू और अंकित दोनों नौकरी की तलाश करने लगे। एक दिन अंकित, पिताजी एक बहुत बड़े कंपनी में मुझे मौका मिला है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए वो 25 लाख रुपए मांग रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं। तब नायक, हाँ बेटे हमारे पास तो कुल मिलाकर इतने ही पैसे हैं, और इन पैसों से बहुत सारे काम करने हैं, अपने खुद का घर बनाना है, तुम्हारी दीदी की शादी करानी है। अब तुम ही बताओ इतने पैसे खर्च करके वो नौकरी करना क्या जरूरी है, और कहीं नौकरी की तलाश करो बेटा। जानू, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट तो कोई कंपनी मांगती नहीं है भैया, मुझे लगता है वो ठग रहे हैं, होशियार रहना भैया, इतने पैसे मांग रहे हैं, जरा होशियार रहना। हेमा, तुम मुंह बंद रखो, हर बात में टांग अड़ाती हो। वो कह तो रहे हैं कि उनके पास पैसे हैं, अगर इसकी नौकरी लग गई तो एक घर तो क्या, बहुत कुछ खरीद सकता है ये, तुम्हारी शादी का खर्चा भी वही देख लेगा। जाओ बेटा जाओ, तुम ये पैसे ले जाओ और वहाँ पर जमा कर दो। यूं बाप और बेटी कुछ कह नहीं पाए। एक दिन पुलिस उनके घर आई। SI, क्या अंकित यहीं रहता है? तुम्हारा बेटा एक कमीने के साथ मिलकर 25 लाख रुपए देकर ड्रग्स का धंधा करने लगा है, हमने उसे पकड़कर जेल में डाला है, क्या यही तरीका है बच्चों को पालने का? लानत है, अगर हमें पता चला कि उस धंधे में आप सब भी शामिल है, आप सबको भी हवालात में बंद कर देंगे। अगर अपने बेटे को बाहर निकालना चाहते हो तो जाओ उसकी जमानत कराओ, ये बताने के लिए आया था मैं। यूं कहकर वहां से चला गया। नायक, हे भगवान, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके उसे यही करना था, यानी अपना सारा पैसा डूब गया। तब हेमा, हे भगवान 25 लाख रुपए ऐसे गलत काम करने के लिए ले गया, अब हम गुजारा कैसे करेंगे, हाय रे मेरी किस्मत। तब जानू, माँ पिताजी उसने बिना सोचे समझे ऐसे गलत काम किया होगा, मैं जाकर उसे जमानत पर छुड़ा कर लाती हूँ, आप दोनों चिंता ना करो। तब हेमा, बेटी ये सोचकर कि वो लड़का है, मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था और तुम्हारे साथ मैंने जुल्म किया, लेकिन आज तुमने साबित कर दिखाया कि लड़की ही लड़के से भली होती है, मुझे माफ कर दो बेटी। ऐसा कहा। बाद में वकील की मदद से जानू ने अंकित को जमानत पर छुड़ाया। बाद में जानू, माँ पिताजी मैं अंकित को इस केस से बरी करा कर रहूंगी, मैंने इसे कह दिया है कि शहर जाकर वो नौकरी ढूंढे, अगर मैं भी आपको छोड़कर चली गई तो आप लोगों की देखभाल करेगा कौन, इसीलिए मैं यही गांव में रहकर पैसे कमाऊंगी। इस तरह उसने एक पानीपुरी का ठेला लगाया और उसमें बोर्ड लगाया बीटेक पानीपुरी वाली। उस ठेले को धकेलते हुए वो गांव में आई। उस नाम से आकर्षित होकर सब लोग वहां आकर पानीपुरी खाने लगे, क्योंकि उसका पानीपुरी बहुत स्वादिष्ट होता था, तो कम समय में ही वो बहुत मशहूर हो गई और खूब पैसे कमाने लगी। सोशल मीडिया में मशहूर होने के लिए उसने यूट्यूबर्स को बुलाया और उन्हें वीडियो को वायरल करने को कहा। लोग उसे अपने अपने मोबाइल में देखने लगे, यूं वो बहुत मशहूर हो गई।
उसने ठेले पर कुछ लड़कों को नौकरी पर रखा जो वहाँ आए हुए लोगों को पानी पूरी खिलाने लगे और कुछ डिलीवरी बॉयज थे जो घर पर होम डिलीवरी देने लगे। यूं कुछ ही दिनों में उसकी आमदनी बढ़ी और वो करोड़पति बन गई। ये देखकर उसके माँ बाप बहुत खुश हुए।